भूटान में तख्तापलट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों और सेना के अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात का खुलासा एक महिला की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जिसका संबंध इन साजिशकर्ताओं से था। आपको बता दें कि एक मुख्य न्यायाधीश, लॉ ऑफिसर और एक सैन्य अधिकारी को उनके पद से हटाने की साजिश रची जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। भूटान के सरकारी समाचार पत्र का दावा है कि रॉयल भूटान पुलिस ने बुधवार को प्राथमिक जांच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज क्वेनले टेसरिंग, एसोसिएट जस्टिस एशे दोर्जी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इसी तरह रॉयल बॉडीगार्ड यानी आरबीजी के पूर्व कमांडेंट ब्रिगेडियर थिनले ताबगे को रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशन अफसर गुंग लोइन गो गंगमा बातो तेसरिंग के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। थिम्पू जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल हो गई है। अगले 10 दिनों में सुनवाई संभव है। इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने कागजात न्यायाधीश तक पहुंचाए। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को महिला खांडू बांगमो के जरिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तेसरिंग तक पहुंचाए, जिससे उन पर मुकदमा दर्ज हो सके। इस मामले में दोर्जी सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, उन्हें इस आधार पर हिरासत में लिया गया कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी थी। अब आपको बता दें कि ये जो पूरी साजिश रची गई थी, ये शीर्ष यानी कि उच्च पदों को पाने के लिए रची गई थी। जो लोग वहां पर पहले से मौजूद थे, उन्हें हटाकर उनकी जगह को पाने के लिए पूरी की पूरी साजिश रची गई थी, जिसको पूरी तरह से फेल कर दिया गया है। इस साजिश को फेल कर दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो तीनों ने शीर्ष पद पाने के लिए साजिश रची थी। मकसद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, आरबीए सीओओ और एसोसिएट जस्टिस, अटॉर्नी जनरल या रजिस्ट्रार जनरल बनना चाहते थे। ब्रिगेडियर ताबगे ने गैरकानूनी ढंग से आरबीए से जुड़े संयुक्त राष्ट्र से वाहन खरीद के कुछ जरूरी दस्तावेज उठाए और सार्वजनिक किया, ताकि सीओओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा सके। भारत के पड़ोसी देश भूटान से ये मामला जब सामने आया तो ये बेहद ही चिंता का विषय बन गया वहां की सरकार के लिए। जब रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ तो इस तख्तापलट की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं।